हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल डिजिटेक टॉक। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप अपने विंडोज कंप्यूटर में सीपीयू वर्चुअलाइजेशन को इनेबल कर सकते हैं। देखिए, सीपीयू का जो वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी है, ये बेसिकली एक फिजिकल सीपीयू को अलग अलग वर्चुअल सीपीयू में डिवाइड करके उन्हें वर्चुअल मशीन्स के लिए यूज करने का जो टेक्नोलॉजी है, उसे ही सीपीयू वर्चुअलाइजेशन कहा जाता है। यानी कि आप अपने एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर वर्चुअली अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर सकते हैं और उनके लिए अलग अलग वर्चुअल सीपीयूज को क्रिएट करके उन्हें यूज कर सकते हैं। लेकिन वर्चुअलाइजेशन को इनेबल करने से पहले आपको यह जानना होगा कि आपके कंप्यूटर में जो सीपीयू है, वो वर्चुअलाइजेशन को या वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है या नहीं। तो आपका सीपीयू वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है या नहीं, ये जानने के लिए सबसे पहले इसको जानने का दो तरीका है। एक तो सबसे पहले आपको यह सीएमडी से चेक करना है। इसके लिए विंडोज बटन और आर बटन को प्रेस करिए, तो यहां पर रन बॉक्स ओपन हो गया। यहां पर टाइप करिए CMD, कमांड प्रॉम्प्ट आपके सामने ओपन हो चुका है। यहां पे टाइप करिए सिस्टम इन्फो 1 मिनट। सिस्टम इन्फो लिख के आपको एंटर करना है। अब यहां पे जो रिजल्ट आपको शो कर रहा है, इसका एकदम नीचे आप यहां पे देखिए हाइपर वी रिक्वायरमेंट, यानी कि हाइपर वी रिक्वायरमेंट ये टर्म्स अगर यहां पे शो कर रहा है और क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो दिखा रहा है, तो इसका मतलब है कि आपका जो सीपीयू है वो वर्चुअलाइजेशन को सपोर्ट करता है। अगर यहां पे इस तरह से हाइपर वी रिक्वायरमेंट कुछ नहीं दिखाता, तो इसका मतलब है कि आपका सीपीयू जो है वर्चुअलाइजेशन को सपोर्ट नहीं करता है। देखिए इस तरह से यहाँ पे हाइपर वी रिक्वायरमेंट ये ऑप्शन जो है ये शो कर रहा है सिस्टम इंफॉर्मेशन में। तो मेरा ये सीपीयू जो है वो वर्चुअलाइजेशन को सपोर्ट करता है। ये तो हो गया पहला तरीका। और एक तरीका है तो नेक्स्ट जो तरीका है उसके लिए आपको टास्क बार जो नीचे आपका है उसका किसी भी एम्प्टी स्पेस पे आप राइट क्लिक करिए और यहां से टास्क मैनेजर को ओपन कर लीजिए। अब टास्क मैनेजर में आपको परफॉर्मेंस टैब के ऊपर क्लिक करना है और सीपीयू को यहां पे सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप सीपीयू को सिलेक्ट करेंगे, यहां पे नीचे देखिए वर्चुअलाइजेशन एनेबल्ड, ये टर्म्स वर्चुअलाइजेशन अगर यहां पे एनेबल्ड या डिसेबल्ड आपको दिखा रहा है, इसका मतलब है आपका सीपीयू वर्चुअलाइजेशन को सपोर्ट करता है। देखिए स्क्रीन में आप देख पा रहे हैं कि जैसे ही मैंने सीपीयू टैब पे क्लिक किया था, तो यहाँ पे वर्चुअलाइजेशन जो है एनेबल दिखा रहा है। हो सकता है आपके केस में डिसेबल दिखाए, लेकिन अगर ये वर्ड वर्चुअलाइजेशन यहाँ पे दिखा रहा है, तो इसका मतलब है आपका सीपीयू वर्चुअलाइजेशन को सपोर्ट करता है। अगर नहीं दिखा रहा है, तो इसका मतलब है कि वर्चुअलाइजेशन को वो सपोर्ट नहीं करता है। तो नेक्स्ट हमारा जो वीडियो का पार्ट है, उसमें हम ये देखेंगे कि कैसे हम इस वर्चुअलाइजेशन को एनेबल कर सकते हैं अगर इन केस ये यहाँ पे डिसेबल्ड है। तो इसे एनेबल करने के लिए सिंपली हम पहले तो इसे क्लोज कर लेते हैं और इसके बाद हम लोग कंप्यूटर को रिस्टार्ट करेंगे और अपने बायोस सेटिंग्स में चलेंगे। अलग अलग कंप्यूटर का बायोस सेटिंग्स को ओपन करने का तरीका जो है अलग अलग होता है। जैसे कि मेरा ये जो है एचपी का लैपटॉप है, तो थोड़ा सा आप ब्राउजर ओपन करके गूगल में चले जाइए। सॉरी 1 मिनट। तो फिलहाल तो मेरा यहां पे नेट कनेक्ट नहीं है, तो मैं इसे छोड़ देता हूं। मैं आपको बता देता हूं, आप सिंपली अपने गूगल को ओपन करिए और गूगल को ओपन करके, जैसे कि मेरा ये एचपी का लैपटॉप है, तो आप लिखिए हाउ टू एंटर बायोस सेटअप इन एचपी लैपटॉप्स, इस तरह से, या डेल लैपटॉप्स या डेस्कटॉप, तो आपको वो की बता दिया जाएगा कि जिस की को आपको रिस्टार्ट के दौरान
जब मशीन जस्ट बूट होना स्टार्ट हो तो आपको वो बटन प्रेस करना है और बायोस में एंटर कर जाएंगे। जैसे इस केस में मैं अपने कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने के बाद जैसे ही उस स्क्रीन पे वो बूटिंग स्टार्ट होगा तो मैं यहाँ पे अपने कीबोर्ड पे F10 बटन को बार बार प्रेस करूंगा क्योंकि ये HP का लैपटॉप है, और जैसे ही रिपीटेडली मैं F10 बटन को प्रेस करूंगा तो ऑटोमेटिकली बायोस में एंटर हो जाएगा। किसी किसी केस में जो होता है अलग अलग कंप्यूटर में एस्केप बटन या फिर F2 बटन को प्रेस करके या डेस्कटॉप के केस में डेल बटन को भी प्रेस करके बायोस में एंटर किया जाता है। सिंपली आपको रिस्टार्ट करना है, जैसे ही स्क्रीन में आप फर्स्ट बूटिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा आपको वो बटन को बार बार रिपीटेडली प्रेस करना है। तो चलिए कंप्यूटर को यहां से हम लोग रिस्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने बायोस के सेटअप पर। फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने बायोस के सेटिंग्स में। सीपीयू वर्चुअलाइजेशन को ऑन करने के लिए सबसे पहले इस तरह से आपको अपने आपके बायोस को ओपन कर लेना है। फिर आपको आपके कीबोर्ड के एरो के मदद से राइट या लेफ्ट पे मूव करना है। तो चलिए हम लोग ऊपर में जो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मेन सिक्योरिटी सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन एग्जिट इस तरह से टैब्स बने हुए हैं बायोस सेटिंग्स में। तो सबसे पहले हम लोग राइट माउस की को या एरो की को यूज़ करके हम लोग इसके ऊपर सिक्योरिटी फिर सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन में जाते हैं। अब सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आप देखिए वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी ये जो है ये डिजेबल्ड है। तो इसे इनेबल करने के लिए पहले डाउन एरो की को प्रेस करके हम लोग वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर आ जाते हैं और यहाँ पे एंटर प्रेस करते हैं। तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, इनेबल एंड डिजेबल। ये पहले डिजेबल किया हुआ है तो चलिए इसको अपर एरो को या अप एरो को क्लिक करके हम लोग इसके इनेबल के ऊपर लाए और यहाँ पे एंटर करते हैं। तो अभी वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी जो है वो इनेबल्ड है। अब एग्जिट टैब में आके आपको एग्जिट सेविंग चेंजेस के ऊपर एंटर करिए। यहाँ पे पूछ रहा है एग्जिट सेविंग चेंजेस, आपको यहाँ पे यस कर देना है। तो यस पे सिलेक्ट है, हम लोग एंटर करते हैं।